जी देखो, बड़े इम्पॉर्टेंट पास है इसके आईक्यू के सवालात, के और 121, एन और 196 और क्यू। मैंने इसकी तरकीब ये बताई है कि भाई आप काउंट करोगे इंग्लिश में के कौन से नंबर पे आता है, 11 पे आता है। अब 11 का स्क्वायर 121 होता है, एन 14 पे आता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, क्यू 17 पे आता है, अब 17 का स्क्वायर होता है 289। अब देखो ये बड़ा ख़तरनाक है, 67, 92, 15 बढ़े, फिर 10 कम होगा 82, फिर बढ़े ही नहीं, फिर 15 बढ़े, फिर लग रहा है 15 कम हो गए, और फिर ये 30 बढ़े। नहीं यार, ये तो आदमी पागल हो जाएगा। तो देखो, ऐसा जब कुछ ट्रेंड समझ में ना आए तो इसका चांस सबसे ज़्यादा होता है कि एक के बजाय दो सीरीज चल रही है, और वैसे भी दो डैश है कि अगले दो नंबर। जैसे कि अगर देखो 67 में 15 मिलाते 82, 15 मिलाते 97, 15 मिलाते 112, दोबारा 15 मिला दो 127। चलो यहाँ तो ये हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मैं ऊपर डैश लगा रहा हूँ ताकि फर रहे। 92 में से 10 माइनस की 82, 10 माइनस के 72, 10 माइनस के 62, अब मजीद 10 माइनस कर दो 52, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो 17, 4 बढ़ाए 21, 4 बढ़ाए 25, 4 बढ़ाए 29, यहाँ 6 कम किए, 4 बल्कि कम करे हैं, एक मिनट ये थोड़ा गड़बड़ है, 4 कम 2 कम, या इसको 75 कर लो यार, वो सही नहीं रहेगा, 4 कम फिर 4 कम फिर 4 कम, तब 4 कम 71। यहाँ देखो ये 17 का क्यूब है, ये 18 का, ये 19 का, तो 20 का क्यूब 8000। बार बार मैं बताता रहता हूँ 21 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, बहुत आते हैं। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पहले 7 प्लस हो रहा है, फिर 17, फिर 27, फिर 37। अब गौर से देखो, 7, 17, 27, 37, यहाँ रिलेशन दिख रही है, ये जो 47 प्लस कर दीजिए। यहाँ देखो 89 में 8 कम 81, फिर 8 कम 73, फिर 8 कम 65, यहाँ भी दो सीरीज चल रही हैं। यहाँ चल रहा है 6 का टेबल, 6, 12, 18, तब ये 2400 का, ठीक है जी। तो बार बार जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई नहीं हो। 6561, 6724, 6889, 7056। तो डियर यहाँ पे देखो कितना एडिशन है, 163, यहाँ कितना है 165, यहाँ कितना है 167। तो 163, 165, 167 ऑड नंबर ऐड हो जा रहा है, सब बात दिख रहा है, अगला 169 होगा। सो जी 169 करते हैं तो 7225 इज योर आंसर। यहाँ देखो ये 14 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, 12 का क्यूब, 11 का क्यूब, फिर 10 का क्यूब जो कि 1000 होता है। इसके रटने की जरूरत नहीं होती, यूजली मैं इतने कराता हूँ क्योंकि क्वेश्चन के तो बहुत याद हो जाते हैं। अब यहाँ देखो 0.7 का फर्क, 0.8 का, 0.9 का, 1 का, अब 1.1 ऐड अप कर दो 7.5 आ जाएगा। बच्चों ओके, बच्चों यहाँ देखो 9 प्लस 25, 49, 81। यार 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 अभी भी कुछ को समझ में नहीं आ रहा है बात। तो देखो अगला स्टेप कि बेसिकली 9 होता है 3 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो अब 11 का स्क्वायर यानी 121 एड अप कर देंगे 292। देखो हाँ, एक बड़ी बात याद रखो, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं नंबर सीरीज के, एक तो हम हमेशा कुछ तो होते हैं जो एक नज़र में पकड़े जाते हैं, जैसे कि आपको ये रॉ भी नहीं बनानी पड़ती, बाद में ये नीचे एक रॉ बनानी पड़ती है क्या, जैसे कि हमने देखा भाई 163 12, यहाँ 14 13 12, अब यहाँ हमें एक की जगह दो रॉ बनानी पड़ गई कि भाई 9 क्या है बेसिकली 3 का स्क्वायर है, 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, 49 क्या है 7 का स्क्वायर है। कुछ ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जिनमें 3 या 4 रॉ बनानी पड़ जाए, तो फिर कोई बात उन्हें बात में करो, हमेशा वो पहले अटैम्प्ट करो जो फ़ौरन समझ में आ रहा हो। बच्चो आई क्यू में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज का, 4356, 4489, 4624, 4761, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे अगला नंबर पूछ रहे हैं, देखो हमेशा पहले देखो कि चल क्या रहा है, इजाफा हो रहा है या कम हो रहा है, साफ दिख रहा है इजाफा हो रहा है। अब इजाफा है तो एडिशन का चांस होता है, मल्टीप्लिकेशन का,
सबसे पहले हम एडिशन को जहन में लाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ होती भी कुछ दिख भी नहीं रही है, वैल्यूज में इतना फर्क नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है तो नंबर एकदम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो यह इन दोनों में अगर आप देखो तो कितने का फर्क आ रहा है, 133। आगे देखो 135, 137। अब देखो कुछ रिलेशन दिख रही है जी, 133 के से दो बड़ा 135, फिर दो बड़ा 137, दो दो बढ़ के, यानी ऑड नंबर के हिसाब से एडिशन हो रही है। अगला हो जाएगा 139, जब एडअप करेंगे 4900 का आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो पी के आगे 4096, आर के आगे 5832, यू के आगे। अब देखो पहली बात तो मैंने ये कहा था कि ए बी सी डी लिखो एक बार जेड तक, ए वन होता है, बी टू होता है, सी थ्री होता है। जब भी आई क्यू के सवाल में कराऊँ वो हमेशा कॉपी आपके सामने हो, चाहे आप फिजिकल पढ़ें चाहे ऑनलाइन पढ़ें, वो तो अपने सामने रखनी है। अब आप देखो कि भाई पी तो 16 होता है, चलो भाई आर 18 होता है, यू 21 होता है। अब 16 और 4096 की क्या रिलेशन है, तो भाई ये भी मैं कहता हूँ आपको 21 तक के क्यूब याद होने चाहिए, कहाँ तक के 21 तक, ठीक है। अमीन एजुकेशन लिख के आप क्यूब लिख दोगे तो एक वीडियो भी बनाई हुई है मैंने 21 के क्यूब की, जैसे अमीन एजुकेशन लिख के स्क्वायर लिख दोगे तो 25 तक के स्क्वायर की वीडियो भी बनाई हुई है। ओके जी, अब देखो सीधी साधी बात है, 16 का क्यूब होता है 4096, 18 का क्यूब होता है 5832, तो यू यानी कि 21 का भी क्यूब लिखना है जो क्या होगा 9261। और वैसे भी क्यूब के क्वेश्चन मैं बहुत कराता हूँ जो एग्जाम में याद होने चाहिए, तो याद हो भी जाने चाहिए साथ रह रह के। अब देखो 1161 साफ दिख रहा है, -4 आंसर हो जाए। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 47, 64, 81, 98, तो वैल हो क्या रहा है यार। देखो यहाँ 17 का फर्क, फिर 17 का फर्क, फिर 17 का फर्क, तो फिर 17 का फर्क होना चाहिए यानी 115। यहाँ देखो 24 ऐड, फिर 24 ऐड, फिर 24 ऐड कर दो 144। यहाँ क्या हो रहा है, 4+16+36+64+, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 36 इसका स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर 100 प्लस कर दो 237 हो जाएगा। यहाँ देखो ये 1 का स्क्वायर 16 होगा, 4 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 110 का स्क्वायर, अब 13 का स्क्वायर जो कि 169 हो जाएगा। यहाँ 1 का क्यूब, 4 का क्यूब, 7 का क्यूब, 10 का क्यूब, अब यहाँ 13 का क्यूब जो कि 2197 हो जाएगा। तो बच्चों ये आंसर है। फिर मैंने आपको कहा है कि कम से कम स्क्वायर 26 तक और क्यूब 21 तक याद करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि रटना शुरू कर दें, सीधी सादी बात है कि रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरी जो मैजिकल ट्रिक्स होती है मैं उन्हीं से याद कराता हूँ और प्रैक्टिस करा के अभी। अब जैसे कि देखो 676 26 का स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर, 576 24 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। और से देखो 26 से कहानी शुरू हुई 21 तक आई, तो अब आना चाहिए 20 का स्क्वायर जो कि बहुत आसान है भाई, ये तो 400 होगा। अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक्चुअली 173 ऐड अप हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है 175 ऐड अप हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 177 ऐड अप हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 179 ऐड अप हो रहा है, 8100 आंसर हो जाएगा। यहाँ 16 का क्यूब, यहाँ 17 का क्यूब, यहाँ 18 का क्यूब, यहाँ 19 का क्यूब, यहाँ 20 का क्यूब, जो कि कितना होता है 8000 होता है, ठीक है मेरे भाई। ओके डियर, अगर गौर से देखो तो 5776 से 5929, हाँ जी कितने का फ़र्क है दोनों में, 153। यहाँ देखो 155 157, देखो इस पैटर्न पे कितने सवाल आते हैं, तो 159 का फ़र्क होना चाहिए, 159 ऐड अप कर दो 6400। यहाँ देखो ये 13 का क्यूब, 15 का क्यूब, 17 का क्यूब, 19 का क्यूब, क्यूब के बहुत प्रैक्टिस कराता हूँ मैं, तो देखो ऑड नंबर के क्यूब चल रहे हैं 13, 15, 17, 19, तो 21 का क्यूब जो कि 9261 होता है।
इतनी प्रैक्टिस इसलिए कराता हूँ कि याद ही हो। देखो बच्चों 289, 225, 169, 121 वेल 289 होता है 17 का स्क्वायर, 225 15 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर। तो 11 के बाद क्या आता है भाई, 9 आता है। अगर ऑड नंबर को आप डिक्रीज कर रहे हो, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। यहाँ देखो 1296, 1369, 144, 1521। वेल यहाँ कुछ इंक्रीज हो रहा है। अब कितना इंक्रीज हो रहा है, 73। यहाँ भी हो रहा है 75 और यहाँ हो रहा है 77। 73, 75, 77, अंडरस्टूड सी बात है 79 होगा और ये रिजल्ट आ जाएगा 1600। 7921, 7744, 7569, 7396। अब दरमियान के टर्म क्या है ये पूछ रहे हैं, आगे 7056 है। तो भाई ये कुछ डिक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन कितना डिक्रीज हो रहा है, ये बड़ी अहम बात है जी। हाँ जनाब, अगर गौर से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि 177 सब्ट्रैक्ट हुआ है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, 175। यहाँ से यहाँ 173। तब क्या होना चाहिए, 171, यानी कि 7225। और इसके बाद 169 होता, 7056 हो जाता। यहाँ देखो 116, 81, 256, 625। ये 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4। अब एडअप होगा 6 की पावर 4, जो कि होता है 1296। तो यहाँ पावर 4 चल रही है। अच्छा, पावर 4 में आप ज़्यादा नहीं, जितनी मैं याद कर रहा हूँ, 6 तक तो मैंने बता दी, तो 6 तक तो लाजमी याद करो पावर 4। देखो बच्चों, बड़ा है 7.5, फिर 15, 22.5, 30, अगला नंबर क्या होगा। तो वाल देखो, इन दोनों में फ़र्क है 7.5 का, फिर 7.5 ही ऐड हो रहा है, फिर 7.5 ऐड हो रहा है, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 37.5 ही ऐड होगा। इधर देखें, ओके बच्चों, अब जना है देखो 6241, 6084, आखिर इन दोनों में कितने का फ़र्क है। तो वेल फ़र्क तो है, ये अब आपको बताना है कितना। हाँ जी, कितने का फर्क है दोनों में, 157 और कम हो रहा है, या 153। तो देखो ऑड नंबर 157, 155, 153 कम हो रहे हैं। यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए कि 151 कम होना चाहिए। 151 कम होने का मतलब है 5625, और वैसे आगे 149 कम होता है, और देखो तो यहाँ 149 ही कम हो रहा है। यहाँ देखो ये 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब, ये क्यूब्स तो मैं 1921 तक कहता हूँ याद ही रहे, तो अब सुना आना चाहिए 16 का क्यूब, क्योंकि देखो ये 17 का क्यूब भी मौजूद है, 18 का क्यूब भी, 19 का क्यूब भी, गायब है तो कौन सा क्यूब है, 16 का क्यूब, जो कि होता है 4096। यहाँ देखें तो एडअप हुए 63, 65, 67, 69। और से देखो ऑड नंबर एडअप हो रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर 63, 65, 69, 7, 69। तो 71 एडअप कर दो, 1296। अच्छा, ऊपर ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे थे और वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इस चीज़ का ख्याल रखा करो। ठीक है बच्चों, 5776, 5929, 6084, 6241। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, क्या एडअप हो रहा है भाई, 153, यहाँ पे 155। देखो ऐसे सॉल्व बहुत आते हैं, 157 अब एडअप हो जाएगा 159, यानी कि 6400। यहाँ देखो एक का फ़र्क, फिर 8 का, 27 का, 64। अब आपस में क्या रिलेशन है, 11 का क्यूब होता है, 82 का क्यूब होता है, 273 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है। तो 5 का क्यूब यानी 125 110 में प्लस कर दो, तो ये हमारा 235 आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो फिर यही बात, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, यानी इवन नंबर के क्यूब चल रहे हैं, तो हम 10 का क्यूब ले लेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स 1000 होगा। ठीक है, 130, 133, 131, 134, 132 अगला नंबर, ठीक है, इसमें बंदा कन्फ्यूज हो जाएगा, बताने लगेगा 3 प्लस 2 माइनस, फिर 3 प्लस 2 माइनस,
तो जी यही हो रहा है, देखिए ना, पहले 3+ हुआ, फिर 2-, फिर 3+ हुआ, 2-, तो अब बारी है 3+ होने का, 135। अच्छा देखें, यहाँ देखें 1/16 को मल्टीप्लाई किया 4 से 1/4, 1/4 को मल्टीप्लाई किया 2 से 1/2, फिर मल्टीप्लाई किया 4 से 2, 2 से किया 4, 4 से किया 16, फिर 2 से किया 32, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखें कितने का फ़र्क है, 7 का, दोबारा 7 का फ़र्क ले लें, 130 आंसर आ जाएगा। यहाँ देखें, दो तरीक़ों से हो सकता है, 5 × 10 + 3 = 30, 13 × 26 + 3 = 29, 29 + 58 + 3 = 61, 61 + 122 + 3 = 125। एक तो ये तरीका है, एक और क्या हो सकता था, देखो 5 और 13 में 8 का फ़र्क, यहाँ 16 का फ़र्क, यहाँ 32 का फ़र्क। अब देखो 8 × 16, 16 × 32, तो 32 × 64, 61 में ऐड अप कर दो, 125। देखिए 30 और 24 में जो फ़र्क है 6 का, और जो इनका डिफरेंस है उसको जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 48। 12 और 23 में फिर 11 का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई 8 से किया 88। तो 96 का किसी नंबर के साथ डिफरेंस को मल्टीप्लाई 8 से करें कि 48 आए, तो अब जाहिर सी बात है इसमें पॉसिबल जो होंगे वो हमारा ये 86, दोनों में 6 का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई 8 से करें 48 आ। 2 + 3 = 8, 3 + 7 = 27, 4 + 5 = 41, 5 + 8 = 60, 6 + 7 = 82, 7 + 8 = 2। तो डियर, देखो 2 3 सा कितना होता है 6, पहले ये देखो 3 7 सा 21, 4 5 सा 20, 5 8 सा 40, ठीक है, 6 7 सा 42। अब सीधी सादे बात है, ये हो गई कहानी। आगे देखो 21 से ऊपर क्या था, 6 प्लस किया 27, 20 से ऊपर 21 था प्लस किया 41, 40 से ऊपर 20 था प्लस किया 60, 42 से ऊपर क्या है 40 प्लस कर लो 82। अब देखो 7 8 सा 56 होता है, लेकिन ऑब्वियसली इस बात है आंसर 56 नहीं होगा, 56 में 42 प्लस होगा, यानी कि बोले तो 98 इज योर करेक्ट आंसर। BDC 72, बी इंग्लिश है बराबर 2K, D 4K, 24 C 3K, 24 3 72, E होता है 5 और G होता है 6। हाँ यहाँ ये आंसर ज़रा बढ़ुआ है, इसको होना चाहिए था 224, 56 D 4 और मल्टीप्लाई करो 224, तो EG का मतलब क्या हो जाएगा 37, C का मतलब 3, 37 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 111। तो डिजिट्स कभी भी याद, मल्टीप्लीकेशन हुई है, E 3 नहीं है ना, 56, हाँ ये बल्कि 57, यस 57 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये तो और बड़ी वैल्यू कंसर्न है। और मेरा बच्चा फिर तो बहुत ज़बरदस्त, शाबाश भाई, IQ का बड़ा अच्छा साल, 7056 6889 6724 6561, अब ये नंबर मिसिंग है, फिर 6241 6084 5929। तो ज़रा गौर से देखो यहाँ कितने का फ़र्क है बच्चों, 167 जो कि माइनस हो रहा है, फिर देखो यहाँ 165 माइनस हो रहा है, फिर 163 माइनस हो रहा है, अब इसका मतलब एक बार 161, फिर 159 माइनस होना चाहिए, और यहाँ 157, यहाँ तो हो रहा है 155, बिल्कुल सही जी। तो अब ऐसा क्या नंबर आए कि 6561 में से 161 माइनस हो और उस नंबर में से 159 माइनस करें तो 6241 आए, तो एक ही हो सकता है 6400। यहाँ देखो 9261 19 का क्यूब है, 4921 का क्यूब है, 4913 17 का क्यूब है, 2197 13 का क्यूब है, 729 9 का क्यूब। अब और से देखो 21 और 17 में 4 का फर्क, 17 और 13 में 4 का फर्क, 13 और 9 में 4 का फर्क,
तो 9 में से 4 माइनस करो 5, यानी 5 का क्यूब जो कि होगा 125। ये करके देखाओ सीरीज का अगला सवाल है। 123 इक्वल टू 40, 345 इक्वल टू 64, 567 इक्वल टू 80, 247 इक्वल टू 33, 365 इक्वल टू 71। तो और से देखो, बेसिकली ये 1, 2, 3 नहीं बल्कि 12 और 3 है। अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं 4 आ गया। अच्छा जी, रिजल्ट आपने लिख दिया 4। और जब 3 को 12 को 3 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या होता है? 0 होता है। तो आगे 0 लिख दिया, 40। अब 34 को जब 5 से डिवाइड करते हैं, 5 6 कितना होता है? 30। यानी कि रिजल्ट आ गया 6, रिमाइंडर क्या बचा? 4, यानी कि 64। इसी तरह 56 को 7 से डिवाइड करो तो ऑफकोर्स 8 आता है, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0, यानी कि 80। 24 को 7 से डिवाइड करो तो 7 3 25, यानी ऑफकोर्स 24 जो रिजल्ट आ रहा है वो 3 आ रहा है, रिमाइंडर 3। तो रिजल्ट पहले आता है, रिमाइंडर बाद में। अब आखिर में बचा था 36। 36 हाँ जी, 5 से डिवाइड करना है तो 5 7 सा होता है 35। रिजल्ट 7 आ गया, 7 पहले लिख देंगे, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। तो आंसर 70। बच्चों इन सवालों को कहते हैं ज़रा ये करके दिखाओ, ज़रा ये करके दिखाओ। 3 का 9, 4 का 28, 5 का 125, 6 का 626 और 726, 7 का क्या होगा? तो बच्चों एक चीज़ होती है वेक्टोरियल। 3 का वेक्टोरियल मतलब है 3 × 2 × 1, यानी 1 तक मल्टीप्लाई करें जो कि होता है 6। तो 3 का वेक्टोरियल 6, इसमें 3 ही प्लस किया हमने 9। अब 4 का वेक्टोरियल यानी 4 × 3 × 2 × 1 24 होता है, और 4 ही प्लस किया 28 हो गया। 5 का वेक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120 होता है, 5 प्लस किया 125 हो गया। 6 का वेक्टोरियल 720 होता है, 6 प्लस किया 726 हो गया। 7 का वेक्टोरियल 5040 होता है, 7 प्लस कर दें 5047, और यही आंसर है। देखिए A1 C27 E क्या होगा जबकि G343 है। A इंग्लिश में 1 के बराबर होता है तो 1 का क्यूब 1, C इंग्लिश में 3 के बराबर है, 3 का क्यूब 27, तो E इंग्लिश में 5 के बराबर होता है, 5 का क्यूब 125। यहाँ देखो 492, इन सब का जो सम आ रहा है 15, 357 का सम 15, तो 81 और क्या चीज़ ऐडअप करोगे सम 15, तो यह होगा 6। यहाँ देखो 15 12 27 है डिवाइड बाय 93 44, और 28 का सम लो 72 डिवाइड बाय 98, फिर 64 और 53 का सम 117 डिवाइड बाय 9 करेंगे, हमें क्या आएगा? 13। और देखो ये वाला सिंबल था, 9 से 13 हुआ यानी 2 का स्क्वायर 4 ऐड अप हुआ, फिर 13 से 22 हुआ यानी 3 का स्क्वायर 9 ऐड अप हुआ। तो अब क्या ऐड अप होगा? 22 में 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बोले तो 16, 22 में 16 ऐड अप कर लो 38 इस जो आ रहा है जी। 1/32, 1/16, 1/4, 3/2, 12, फिर दरमियान में नंबर नहीं पता हमें, फिर 1440। यार एक बात तो तय है कि वैल्यूज में है ये इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीज या तो एडिशन से होती है या मल्टीप्लिकेशन से हो सकती है। यहाँ मुझे साफ बात है मल्टीप्लिकेशन दिख रही है, क्योंकि 1/32 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/16 आ जाएगा, फिर 1/16 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/4 आ जाएगा। अब 1/4 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करो, देखो ना 6 और 4 2 के टेबल से कटेगा, में आ जाएगा 3/2। वेल अब गौर से देखो, एक बार 2 मल्टीप्लाई, एक बार 4, एक बार 6, तो साफ दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन इवन नंबर से चल रही है। चलो कंफर्म करते हैं, 3/2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 12 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब है अगला नंबर क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए? 10। 12 को 10 से करोगे तो 120। और इसका मतलब ये है कि देखो आगे का इन्होंने दिया हुआ है 12, क्या 12 से मल्टीप्लाई करने से 1440 आता है? बिल्कुल जी, 12 12 144 होता है, 0 है, तो इसका लगभग बात बिल्कुल सही है। यहाँ देखो, यहाँ एकदम से नंबर बहुत छोटे हो गए। सो डेयर 5040 को डिवाइड करो 7 से, 720 को डिवाइड करो 6 से, 120 को डिवाइड करो 5 से,
और 24 को डिवाइड करो 4 से तो 6 आएगा, 6 को डिवाइड किया 3 से 2 आया, अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। यहाँ क्या चक्कर है यार? यहाँ बड़ी दिलचस्प बात है, पहले प्लस हो रहा है 1, फिर 3, फिर 9, फिर 27, फिर 81। अब आप बोलोगे ये क्या कहानी है जनाब, एडिशन हो रहा है, लेकिन पहले 1 का, 3 का, 9 का, 27 का, 81 का, तो इनकी आपस में क्या रिलेशन है यार? ये देखो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन हो रहा है, 1 3 3 3 3 9 9 3 27 27 3 81। अब 81 3 होता है 243, 124 में ऐडअप करो, यहाँ 7 आया, यहाँ 6 आया, 367 इज योर। बहुत अहम सवाल है, नर्स के पास पेपर का आई क्यू का 6889, 7056 आगे क्या है, फिर 7396, 7569, 7744। वेल, सबसे पहले इधर देखें कितने का फ़र्क है, कितने का फ़र्क आ रहा है, 167। अब यहाँ का फ़र्क हमें नहीं पता, ना यहाँ का पता है, लेकिन यहाँ का फ़र्क दिख रहा है। हाँ जी, ये कितने का फ़र्क है, 173, फिर 175। वेट अ मिनट, 173, 175, 167 ऑड नंबर है, लेकिन दो ऑड नंबर मिस आ रहे हैं, एक 169, एक 171। यहाँ कोई ऐसा नंबर आना चाहिए इनमें और इनमें, 169 का और इनमें इनमें 171 का फ़र्क, तो एक ही हो सकता है, 7225, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वेल ये देखें 21 का क्यों, फिर एक छोड़ के 19 का क्यों, 18 का क्यों, 17 का क्यों, 16 का क्यों, 15 का क्यों, 21 तक के क्यों याद होने चाहिए, और मैं प्रैक्टिस करा के याद कर रहता हूँ। तो जी यहाँ आना चाहिए था किसका, 20 का क्यों, जो कि कितना होता है, 8000। देखो तो बड़ा अच्छा सवाल है, 82, 4, 63, 2, 93। तो यार इसमें सबका बैंड इसलिए बचता है कि लोग इसको 82 पढ़ रहे हैं, एक्चुअली 82 है ही नहीं, 8 को डिवाइड किया 2 से 4 आया है, 6 को डिवाइड किया 3 से 2 आया है, अब 9 को डिवाइड करेंगे 3 से 3 आ जाएगा, और ये आंसर। अब देखो ये 96, 12 और 16, 88, 11 और यहाँ क्या आएगा, तो डेयर बड़ा ही मज़े का सवाल है, बड़ा ही मज़े का। 96 को 12 से डिवाइड करो 8 आता है, 8 का डबल 16, 88 को 11 से डिवाइड करो 8 आता है, 8 का डबल 16। यानी कि हुआ क्या है, इस नंबर को पहले इससे डिवाइड किया और जो आंसर आया उसको डबल कर दिया गया, इसको इससे डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको डबल कर दिया गया, तो इतना सा खेल हुआ है प्यारे बच्चों। आई क्यू का एक बड़ा धांसू सवाल, 1, 5, 2, 7, 3, 17, 4, 55, 5 अगला नंबर। अब यार बहुत ही ख़तरनाक क्वेश्चन है, अच्छा बहुत ही ख़तरनाक। देखो आई क्यू के सवाल आप यूजली होते कैसे हैं, एक तो बड़ा सिंपल हो सकता था कि भाई 1, 2, 3, 4 तो अगला नंबर क्या होगा, 5। हम सिंपल कह सकते हैं कि जी नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, या ऐसे भी आ जाता है 1, 2, 4, 8। तो अब यहाँ दिख रहा है कि बजाय एडिशन के मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, 1 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, अब फिर 8 2 ज़ा 16, ठीक है, ऐसे होता है कभी। यहाँ क्या चल रहा है भाई, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, 1 से 5, 5 से 2, 2 से 7, 7 से 3, 17 से 4, 4 से 55 और 5, तो ये इतना सिंपल नहीं होगा। जब बड़ी बेतरतीबी हो तो चांस ही होता है कि एक के बजाय दो सीरीज, जैसे कि देखो एक सीरीज तो चल रही है 1, 2, 3, 4 और 5। जी हाँ बिल्कुल, 1, 2, 3, 4 और 5। अब दूसरी सीरीज क्या है, दूसरी में 5, 7, 17, 55। हाँ जनाब कुछ तरतीब समझ में नहीं आ रही, ज़रा यहाँ अलग से नोट करके देखते हैं, 5, 7, 17 और 55। अगला नंबर हमें बताना है। देखो एक बात तो ये है कि ये इनक्रीज़ हो रहा है, अब इनक्रीज़ किस तरह हो रहा है तो ये बात भी कुछ बाज़ार समझ में नहीं आती, लेकिन बच्चों मेरी तरकीबें काम आएंगी। सबसे पहले अब ये देखो, 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और 2 प्लस करते हैं, 7 होगा, बिल्कुल होगा। अब 7 को मल्टीप्लाई में 2 से कर रहा हूँ, प्लस 3 कर रहा हूँ, 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 17, ठीक है। अब 17 को भी मैं क्या करूँगा, हाँ जी देखो, पहले 1 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लस किया था,
टू से मल्टीप्लाई करके थ्री प्लस, तो अब अकॉर्डिंग टू पैटर्न क्या होना चाहिए? थ्री से मल्टीप्लाई फोर प्लस, देखते हैं कि आता है या नहीं आता। 17 3 51 प्लस 455, यस आ रहा है। अब इसका मतलब है कि कहानी आसान हो गई। 55 को मल्टीप्लाई करना है 4 से 5 प्लस करना है, 220 प्लस 5 225, यही हमारा क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। अरे बच्चों, प्यारे बच्चों, बड़े अच्छे सवाल आप देखो, 5329 5476 आगे क्या आएगा, फिर 5776 5929 6084 6241। एक बात तो दिख रही है कि नंबर बढ़ रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। अब क्या ऐड हो रहा है? अच्छा, यहाँ क्या ऐड हुआ था? 147। अब फिर बीच में गैप है, यहाँ क्या ऐड हो रहा है भाई? 153 155 157। अरे बड़ा दिलचस्प पैटर्न है, 147 है, फिर बीच में चूँकि गैप्स है, दो नंबर हमें नहीं पता। अरे देखो ना, कुछ गैप इन दोनों में होगा, कुछ इन में होगा, फिर आगे 153 155 157। वेट अ मिनट, ऑड नंबर में इंक्रीज हो रहा है। 147 के बाद दो ऑड नंबर मिस हैं, और कौन से दो नंबर मिस हैं? तो चलो 149 5476 में ऐड करके देखते हैं, अगर उसमें जो नंबर आ रहा है और इसमें 151 ही का फ़र्क है तो हमारा आंसर सही है। तो जनाब, जब हमने ऐड किया तो ये आ गया 5625। ऑफकोर्स इन दोनों में 149 का फ़र्क, इन दोनों में 151 का, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ देखें, 5 2 10 प्लस 1 11, 11 3 33 प्लस 2 35, 35 4 40 प्लस 3 143। यानी देखो, बेसिकली पैटर्न ये हो रहा है कि पहले मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, फिर ये जो रिज़ल्ट आया 11, इसमें अब हमने 2 की जगह 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 35 हो जाएगा। फिर 35 में, हाँ जी, पहले 2 मल्टीप्लाई करके 1 प्लस किया था, 3 मल्टीप्लाई करके 2 प्लस किया था, 4 मल्टीप्लाई करके 3 प्लस कर देंगे 143, फिर 143 में 5 मल्टीप्लाई करके 4 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 719। अब ये देखो, वो यार इतना बड़ा नंबर, कुछ लोग तो इसको देख के बेहोश हो जाएंगे, और होना भी चाहिए, हक बनता है। अब 1024 64 821। अब देखो, जो अकलमंद आदमी होगा वो ये शुरू के देखने के बजाय आखिर के देखेगा, यार यहाँ क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है। 64 को हमने डिवाइड किया 8 से, फिर 8 को डिवाइड किससे किया? 4 से, फिर 2 आया, 2 को डिवाइड किससे किया? 2 से, यानी कि 64 डिवाइड हो रहा है 8 से, फिर 8 डिवाइड हो रहा है 4 से, 4 डिवाइड हो रहा है 2 से। वैसे 8 का डबल 16, चाहो तो चेक कर लेना, 1024 को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो 64। वैसे हमें पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये दिख रहा है कि भाई डिवाइड चल रहा है, लेकिन हर नंबर क्या होता जा रहा है, हाफ होता जा रहा है। पहले हमने 16 से डिवाइड किया, फिर 8 से, फिर 4 से, फिर 2 से, अब 2 का हाफ क्या होता है? 1। यानी अब हम डिवाइड करेंगे 1 से, 1 को 1 से डिवाइड करो, क्या होगा? 1 ही होगा आंसर, इसका 1 ही होना था। तो कुछ लोग इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ थी इस डिजिट से, ऐसे अगर आपको नहीं भी आता तो अंडरस्टूड सी बात थी कि किससे डिवाइड हुआ होता 32 से, किससे डिवाइड हुआ होता 32 से। मैं ऐसे ही हो रहा है ना, डबलिंग हो रही है डिवीज़न की, या हाफिंग हो रही होती है, या हाफिंग हो रही है, पहले 32 से डिवाइड 16 से। तो देखो, आपको टाइम ज़ाया नहीं करना, आपको इस तरफ जाने की जरूरत नहीं, आप इस तरफ देखो, पहले 8 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, तो किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो गया 1, 1 ही रहेगा। ओके बच्चों, देखो ये IQ का एक और सवाल है, 7569 7569 7396। तो डेयर, साफ दिख रहा है सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कितना सब्ट्रैक्शन हो रहा है? 173 का। फिर आगे क्या है नहीं पता, फिर इन दोनों में भी कुछ सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, हाँ जी, कितना सब्ट्रैक्शन है? 167, और यहाँ 165। तो यार एक बात है, ऑड नंबर में कुछ दिख रहा है, तो इसका मतलब दो नंबर और आने चाहिए, पहले 171 और 169, ऐसे ही होना चाहिए ना, तब तो सही पैटर्न है। तो हमें कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो इसमें और इसमें 171 का फ़र्क, और इसमें 169 का, तो 171 सब्ट्रैक्ट करके देखें, 7225।
क्या इन दोनों में भी 169 का फर्क है? जी हाँ बिल्कुल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7225। अब यहाँ देखें 21 का क्यूब, 19 का क्यूब, 17 का क्यूब, 15 का क्यूब तो होगा 13 का क्यूब, 2197। ये देखो इंग्लिश में 1 के बराबर, इंग्लिश में 4 के बराबर, 7 के, 10 के, 13 के, तो अब इंग्लिश में 16 के बराबर पी होता है। आसान सा तरीका, एक बार ABCD लिखो अपने सामने Z तक और सबके नंबर, और वो हमेशा जब भी लेटर सीरीज सॉल्व करो सामने रखो। इसी तरह 21 के क्यूब भी, क्योंकि 21 तक के क्यूब आते हैं। बड़े प्यारा सवाल है, 2, 12, 36, 80, 150 अगला नंबर। तो देखो अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ 10 का, यहाँ 26 का, यहाँ 44 का, यहाँ 70 का। आप कहोगे सर कोई लॉजिक नहीं बनी, बिल्कुल नहीं बने। जब ऐसा नहीं बने तो एक बार और डिफरेंस लेके देखो। हाँ जी, इनमें 16 का, इनमें कितने का आ रहा है? ये 100 का कुछ बोलते हैं, यहाँ 24 का है, ठीक है। एक मिनट, 24, यहाँ 14, यहाँ 20, यहाँ 26। अब गौर से देखो, यहाँ लॉजिक बन रही है, यहाँ 6 का फर्क, यहाँ 6 का फर्क। तो असल में आगे भी क्या होना चाहिए? 6 का फर्क, यानी कि 32। यानी कि 32 किस में ऐडअप होगा? 72 में। देखो ना, 10 में ऐडअप 14, 24 में 20 44, 44 में 26 70, और 70 को 32 में ऐडअप कर दो तो कितना होता है? 102। 50 में 102 प्लस करो, 252। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे एक सवाल यहाँ भी है, कितने का फर्क है? 4 का। कितने का फर्क है? 14 का, 30 का और 52 का। आप बोलो सर कुछ भी पता नहीं चल रहा, चलो एक और बनाते हैं। 10 का, 16 का और 22 का। अब और से देखो, 10 और 16 6 का फर्क, 16 और 22 6 का, 22 और 6 28, 28 को 52 में प्लस किया 80, 100 में प्लस किया 180। और यही क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर? ये 6, फिर 24, 60, 120, 210, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट 6 होता है 1 × 2 × 3, 24 होता है 2 × 3 × 4, 60 होता है 3 × 4 × 5, यानी 3 कंसेक्टिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन है जो इंक्रीज होती जा रही है। 120 होता है 4 × 5 × 6, 210 होता है 5 × 6 × 7, और अब जनाब क्या करना है? 6 × 7 × 8, जो कि हमारा हो जाएगा 336, 336, ठीक है जी। यहाँ देखें 3 की पावर 1 + 1 = 4, 3 का स्क्वायर 9 + 1 = 10, 3 का क्यूब 27 + 1 = 28, 3 की पावर 4 = 81 + 1 = 82। अब 3 की पावर 5 + 1, 243 होता है 3 की पावर 5, तो 1 प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 244। बड़े बड़े प्यारे सवाल, 4, 4, 8, 9, 4, 3, 5, 6, आगे क्या है? 4, 0, 9, 6, 3, 9, 6, 9। तो यहाँ हो क्या रहा है? कुछ एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है? हाँ जी, क्या दिख रहा है? और यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ भी कुछ सब्ट्रैक्शन है, लेकिन कितना सब्ट्रैक्शन? देखें 127 का, और यहाँ देखें 133 का। हाँ जी, कुछ ऐसा लग रहा है ऑड नंबर वाली कहानी। ये तब ट्रू हो सकती है कि अगर यहाँ दरमियान में 131 और 129 का हो। तो ऐसा कब हो सकता है? जब यहाँ क्या हो? 4225, क्योंकि अगर यहाँ 4225 है तो देखो ऑड नंबर के हिसाब से डिफरेंस हो रहा है, 133, 131,
129, 127। हाँ जी, R बराबर है 5832 के, युग इसके बराबर होगा। तो R इंग्लिश में A B C D अगर लिखोगे तो 18वें नंबर पे आएगा, और 18 का क्यूब होता है 5832, तो युग का क्यूब 9261। यहाँ देखो, हाथ है जिसपे 75 लिखा है, पाँव पे 64 लिखा है, सर पे 59 है। हाथ पे 58 है, पाँव पे 43 है, सर पे क्या आएगा ये पूछ रहे हैं। तो यार 75 35, 64 24, 35 और 24 कितना होता है 59। यहाँ देखो 58 40, 43 12, 40 और 12 52। यहाँ देखो 7921, 7744, 7569, 7396। तो वेल साफ दिख रहा है कि यहाँ सब्ट्रैक्शन तो ही है, बट कितनी सब्ट्रैक्शन, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो चलो, ज़ाहिर है आपको फौरन दिमाग में सारा खेल देखना पड़ता है कि यहाँ चल रहा है 177 का मोह। यहाँ देखो 175 या 173, फिर तरतीब देखो 177, 175, 173, तब क्या कम होना चाहिए 171, यानी 7225 यहाँ आ जाएगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए 6241, 6084, 5929, 5776 साफ दिख रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज तो हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है 157, फिर 155, 153, तो 151 डिक्रीज करें, यहाँ आ जाएगा 5625। अब देखो इंग्लिश में यू 21 के बराबर होता है, A1 B2 C3, 21 का क्यूब होता है 9261, एस होता है 19 के बराबर, 19 का क्यूब होता है 6859, आर होता है 18 के बराबर, 18 का क्यूब 5832, एम होता है 13 के बराबर, 13 का क्यूब 2197, 21 तक के क्यूब इसलिए याद होने चाहिए। यहाँ देखो 100 में एक प्लस किया आपने, फिर 8 प्लस हो रहा है, फिर 8 के बाद 27, फिर 64, क्या रिलेशन है 1 1 का क्यूब, 8 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब। अब 5 का क्यूब 125, प्लस कर दो 325 आंसर आ जाएगा। बच्चों ये 7056 आगे क्या है ये बताना है, फिर 7396, 7569, 774। तो यहाँ देखो 173 का फ़र्क, 175 का, तो अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ 171 और यहाँ 169 का फ़र्क होना चाहिए। तो 7056 में अगर 169 ऐड अप करोगे तो 7225 होता है, कंफर्म करना है तो अब इसमें 171 प्लस करके देखो 7396 ही आ रहा है। यहाँ देखो 3 पहले प्लस है, फिर 2 मल्टीप्लाई है, 3 प्लस है, 2 मल्टीप्लाई है, तो 3 प्लस होगा फिर 2 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखो पहले 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 4, फिर 9। अब रिलेशन क्या है, 1 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस कर दो, आंसर हो जाएगा 370। करेक्टेशन कर लें, ये 115 नहीं, 15.3 है, 15.5, 15.7 और 15.9, 15.3, 15.5, 15.7, 15.9। तो प्यारे बच्चों देखो 577.6, फिर है 592.9, फिर है 608.4, फिर है 624.1, और अगला नंबर क्या होगा, पास्ट पेपर का बड़ा प्यारा सवाल। तो डियर डियर डियर, यहाँ देखो आखिर हो क्या रहा है भाई, एडिशन हो रहा है, एडिशन तो हो रहा है, आखिर कितने का एडिशन, 115.3 का। वाल वाल वाल, यहाँ भी एडिशन हो रहा है, फिर वही बात, एडिशन तो एडिशन, आखिर कितने का एडिशन, 115.5 का। यहाँ फिर एडिशन हो रहा है, आखिर कितना एडिशन, 115.7 का। तो देखो 115.3, 115.5, 115.7, अब होगा 115.9, यानी कि बोले तो 640 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ देखो 9261, 4913, 2197, 729 अगला नंबर। अब 21 के क्यूब में याद कराता हूँ जो कि आते हैं, ये है 21 का क्यूब, ठीक है, ये है 17 का क्यूब, ये है 13 का क्यूब, ये है 9 का क्यूब, आखिर ये क्या चक्कर है,
21 और 17 में 4 का फर्क, 17 और 4 में 13 का फर्क, 13 और 9 में भी 4 का फर्क। देखो 4 4 का फर्क चल रहा है ना, 21 और 17 में 4 का, 17 और 13 में 4 का, 13 और 9 में 4 का। अब 9 में से 4 माइनस कर दो 5, 5 का क्यूब जो कि कितना होगा 120। बड़ा अच्छा सवाल। 2401 1296 625 256 अगला नंबर क्या होगा? तो यार देखो 2401 होता है 7 की पावर 4, 1296 6 की पावर 4, 625 5 की पावर 4, 256 4 की पावर 4, तो पावर 4 चल रही है और डिसेंडिंग हो रही है, तो 3 की पावर 4 जो के 81 हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये तो साफ दिख रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब कितना डिक्रीज हो रहा है भाई? 137। ओके डियर, यहाँ पे 135, यहाँ पे 133, ओके जी 131, तो अब क्या होना चाहिए 129, 4096, ठीक है जी। और इतफाक से हमने ऊपर पावर 4 की थी, तो सेन की पावर 4 2401 थी, 4096 जो है ना ये 8 की पावर 4 भी होता है। ओके डेयर, नाइन ये बड़ा दिलचस्प है, 9 to 6.168, 5.9, 4.9, 1.3, 3.3, 7.5। देखो मैं क्यूब पे बहुत जोर देता हूँ, 21 तक के, 21 का क्यूब एक्चुअली है क्या 9 to 6.1 है, लेकिन अब हमने क्या किया इसको 10 से डिवाइड कर दिया। 19 का क्यूब क्या होता है 6859 होता है, 10 से डिवाइड कर दिया तो अभी हो गया 6859। 17 का क्यूब क्या होता है 4913, डिवाइड कर दिया 4913। और 15 का क्यूब क्या होता है 3375, डिवाइड कर दिया क्या हो जाएगा 337.5। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। IQ सबसे अहम चीज़ है सर, ये नहीं कि एग्जाम के हिसाब से, ये आपकी दिमाग की एक्सरसाइज होती है। यहाँ देखो 6567167 24 कितने का फर्क है 163, और एडअप हो रहा है, ये भी हम होता है कि एडअप हो रहा है सबट्रैक्ट हो रहा है। आगे देखें 165 फिर 167, अब अगला नंबर ये है, फिर उसके बाद 7396 है। देखो अगर तरतीब से 163 165 167 तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि पहले 169 फिर 171, तब तो पैटर्न हमारा सही है। इसमें 169 एडअप करके देखो तो 7225 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि इसके बाद आगे दिया हुआ है 7396 जो कि होना भी चाहिए, तो इट्स मीन्स 100% करेक्ट है, जो कुछ हमने किया वो बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। अब यहाँ देखो 2829 28 65 126, 2 क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1, 9 क्या होता है 2 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 1 9, 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 1 28, 4 का क्यूब 64 प्लस 1 65, 5 का क्यूब 125 प्लस 1 126, 6 का क्यूब 216 1 प्लस करो 217। अब ABCD के लिए आपको करना क्या है कि A से Z तक अल्फाबेट लिखना है कि भाई A 1 के बराबर है, B 2 के बराबर है, C 3 के बराबर है। अगर आप देखोगे तो Z हो जाएगा 26, W 23, वो चार्ट अपने सामने रखें, T 20, Q 17, 3-3 कम हो रहे हैं तो अब 14 होना चाहिए, यानी कि बोले तो N होना चाहिए। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी कराई है बच्चों तुम। ठीक है, अब ये जो सवाल है, जैसे कि मैंने कहा नस में इस तरह आया था 418 40 100 180, और यहाँ आपसे पूछा था क्या आना है, तो वो तो ऑफकोर्स टू बी 294 हमने एक मेथड से निकाला, और कल CSS में इस तरह आया था 418 गैप दिया हुआ था 100 180 294। तो एक तरीका तो ये कि जो पहला है ये 1 × 2 का स्क्वायर 2 × 3 का स्क्वायर, ये है 3 × 4 का स्क्वायर 4 × 5 का स्क्वायर, असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। अब एक और जो मेथड, ज़ाहिर अब सबके दिमाग में ये मेथड नहीं आएगा, वो क्या है, ठीक है भाई, तो देखो वो होता है डिफरेंस का मेथड। 4 और 18 में कितने का फ़र्क है 14 का, 18 और 48 में 30 का, 48 और 100 में 52 का, 100 और 80 का। अब आप बोलोगे यार इससे तो कुछ नहीं पता चल रहा, नहीं अब दोबारा आपको देखना है कि 14 और 30 में फ़र्क था 16 का,
30 और 52 में 22 का और अब 28 का। अब गौर से देखो ऊपर 16, 22 और 28 में कितना फर्क चल रहा है, 6। इसका मतलब है कि अगला नंबर जो 28 में 6 प्लस करो 34, यानी 80 में आप क्या प्लस करो 34, जो कि कितना होगा 114। और जब 180 में 114 प्लस करोगे 294, ऑफ कोर्स यही तो आया था। यानी कि अब आपको ग्रॉस के हिसाब से देखो हर तरीके से मैं बता दूंगा। यानी अब देखो 4 और 18 14 का फर्क, 1848 30 फिर 52 80, कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। तो आप अगली रॉ में जाओ, एक और रॉ बनाओ। यहाँ देखो 16 22 28 अब समझ में आ रहा है, 6 फिर 6 फिर 6, यानी 34, 80 में 34 114, यानी अब 114 किस में एडअप करना है 180 में, जिससे क्या आ जाएगा 294 आ जाएगा।